तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। UPTET 2021 एग्जाम पर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। हमारे अधिकतर छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि नोटिफिकेशन टाइम से आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको बता दें ऑफिशियल अपडेट आ रही है। UPTET 2021 के जितने भी छात्र हैं आज की वीडियो देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, अंत तक जरूर बने रहेंगे। 8 मई की सबसे बड़ी खबर है आप सभी के लिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो दोस्तों आप लोग वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन देख पा रहे होंगे, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आगे से अगर कोई भी बड़ी अपडेट आती है आप सभी के UPTET के नोटिफिकेशन पर, UPTET के एग्ज़ाम डेट पर, तो आप सभी तक सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट पहुँचाया जा सके। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरी अपडेट आप सभी को डिटेल समझाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं COVID-19 की दूसरी वेव चल रही है, इसके कारण कई सारे एग्ज़ाम पर इफेक्ट पड़ा है। बोर्ड्स के, यूनिवर्सिटीज़ के, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम और जितने भी हमारे डिग्री के एग्ज़ाम से सभी मतलब कि पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और आप लोग बता दें UPTET के नोटिफिकेशन पर भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। आप लोग बता दें SSC GD का जो नोटिफिकेशन आना था 40,000+ पद थे, इसका भी नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है, ठीक है, डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे UPTET और CTET के नोटिफिकेशन की बात करें तो CTET का भी नोटिफिकेशन डिले हो गया था, इसके बाद से ही UPTET के नोटिफिकेशन पर भी आशंकाएं जताई जा रही थी कि UPTET 2021 का भी जो नोटिफिकेशन है ये डिले होगा, जो आपका 11 मई से स्टार्ट होना था। चलिए पूरी अपडेट आपको डिटेल समझाते हैं और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक कैंडिडेटों पर जरूर पहुँचाइएगा। इस वीडियो को आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक में जरूर शेयर करें। तो सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बताते हैं ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पर जो है हम लोग अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए। यहाँ पे आप लोगों को अधिक से अधिक कंटेंट और मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सभी के नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप लोग भी UPTET CTET एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग आज ही जाके टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिस पर हमने अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया आप सभी के लिए। जितने भी छात्र हैं जिनका अभी तक की सिलेबस नहीं पूरा हुआ है आज ही जाकर आप लोग यहाँ पे वो हैंड रिटन नोट्स है वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए टेलीग्राम से सभी लोगों को ऐड होना है और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, नोटिफिकेशन पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है उसको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे अधिकतर छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि UPTET के नोटिफिकेशन डिले होगा कि नहीं होगा, तो आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। आप लोग बताते हैं आप सभी के नोटिफिकेशन 11 मई को आप लोगों को जारी किया जाना था और 19 मई 2021 से 18 मई 2021 से आप सभी के जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिए जाने थे। लेकिन दोस्तों वहीं आपको बताते बढ़ते कोरोना वायरस के कारण आप सभी के नोटिफिकेशन पर काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा UPTET का नोटिफिकेशन भी दोस्तों यहाँ पे डिले अब आप लोगों का किया जाएगा। आप लोग बताते जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं UPTET यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम की 2021 की तैयारी कर रहे थे, आप सभी बता दें UPBEB यानी कि आपका जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी, वो आप सभी का नोटिफिकेशन अब डिले कर सकता है ड्यू टू COVID-19। आपको बता दें यहाँ पे हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं अधिकतर कैंडिडेटों की यही सवाल बना हुआ था कि एग्ज़ाम को, ठीक है, एग्ज़ाम को आगे बढ़ाना जाना चाहिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की जो डेट है इसको भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आपको बता दें बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पे। अधिकतर छात्र यहाँ पे कह रहे थे कि 11 मई से अगर यहाँ पे स्टार्ट भी हो गया, ठीक है, 11 मई से, हालांकि यहाँ पे आपके ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी होना था 18 मई से, आप सभी का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे जाने थे 18 मई से, भी अगर स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि दोस्तों अधिकतर जो है स्टेट्स में इस समय कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है, ठीक है। लॉकडाउन लगने के कारण हमारे जितने जैसे कि राजस्थान के छात्र हैं, बिहार के छात्र हैं, UP के छात्र हैं, महाराष्ट्र के हैं, तो इन सभी जगहों में अभी COVID-19 केसों की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और सभी जगह लॉकडाउन लग चुका है। अधिकतर हमारे जितने भी स्टेट है सभी समझे कि बंद चल रहे हैं, सभी दुकानें बंद चल रही हैं, तो ऐसे में हम लोग फॉर्म कैसे भर पाएंगे, ठीक है, सबसे बड़ी यही दिक्कत आ रही थी। इसी वजह से हम दोस्तों आपको बता दें SSC GD का यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है आपका आना था, SSC GD का 40,000+ पद थे इसमें, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन डिले हो चुका है। CTET का नोटिफिकेशन डिले हो चुका है, जितने भी नोटिफिकेशन आते थे, जितने भी एग्ज़ाम्स होने थे सभी के सभी समय डिले हो चुके हैं और साथ ही साथ UPTET का जो नोटिफिकेशन है इसका भी 90% चांस लग रहा है कि डिले हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है और आगे जो अपडेट आएगी इससे रिलेटेड आपसे तक पहुँचा जाएगा।